Hello, you always have sandwiches, right? So today we are doing a little bit of variation and we are having the Topwitches. So we are using the Top Duke's biscuits. It is known as the Duke's Top Butter Crackers. And we are using this to make a Topwitch. It is like an open sandwich with lots of vegetables and you will see how tasty it is. For that we need 1 cup of boiled corn, 1/2 cup of boiled carrots and beans. Basically you can take 1.5 cups of any vegetable you want, which will go well with this mixture. You also need 1/2 cup of capsicum chopped. Now this I have taken a red capsicum for the color factor. Agar aap chahe, aap green capsicum bhi le sakti hai, yellow capsicum bhi le sakti hai. To ye ho gayi hamari sabzi. Uska sauce mein banane ke liye hume chahiyega 1 cup milk. Koi bhi normal skim milk aap use kar sakte hai, 1 cup. Aapko chahiye 2 tablespoon makhan, butter. You also need 2 tablespoons of maida. Aapko seasonings mein chahiyenge a little bit of chili flakes, thodi si kali mirch. And agar aapke paas tabasco sauce hai, idhar maine green tabasco sauce use kiya hai, aap green bhi use kar sakte hain, red tabasco sauce bhi use kar sakte hain. Upar decorate karne ke liye aapko chahiye 1/4 cup of tomato sauce and 1/2 cup of grated cheese. ये सब सामान तो चाहिए ही, साथ में नमक स्वाद अनुसार, which is very important. Without salt there will be no taste. So taste of salt according to you, how much you eat. So all your ingredients are there. आपने सब ingredients ले लिए and अब बारी आ रही है कि हम Topwitch में रखने का mixture बनाएं. उसके लिए सबसे पहले बटर को एक पैन में डाल के मेल्ट करिए ऑन अ वेरी लो फ्लेम, बिकॉज बटर बहुत जल्दी बर्न होने का चांस रहता है. जब बटर मेल्ट हो रहा है उसी समय उसमें 3 टेबलस्पून आप डाल दीजिए मैदा का. मैदा हल्की आंच पे चलाइए जब तक थोड़ा सा मैदा में बबली बबली फील नहीं आए, थोड़ा सा हल्की सी खुशबू आए. एंड अब इसमें डालेंगे हम अपनी कैप्सिकम, द कॉर्न एंड द कैरेट्स एंड बीन्स का मिक्सचर. बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि हम वाइट सॉस बना रहे हैं, बट जब जनरली वाइट सॉस बनाते हैं बहुत जल्दी उसमें लंप्स आ जाते हैं. बहुत लंपी बनना बहुत ईजी है. तो एक ट्रिक है कि आप मैदा रोस्ट करने के बाद उसमें सब्जी डाल दीजिए एंड उसके बाद में आप उसमें मिल्क डालिए. इससे आपके वाइट सॉस में कभी लंप्स नहीं आएंगे. मिल्क डाल के जल्दी से अच्छे से हिला लीजिए जब तक कि वो मिक्सचर थिक नहीं हो जाता है. आपको जिस कंसिस्टेंसी का चाहिए, आपको एक थिक कंसिस्टेंसी का चाहिए, तो उसको हल्के आंच पे मिलाते रहिए. जब आपके पास वो कंसिस्टेंसी आ जाए, आपको थिक मिक्सचर मिल जाए, उसमें डालिए थोड़ा नमक. ना नमक देख के डालिए क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी बहुत सारा नमक रहता है. उसके बाद उसमें डालिए 1/2 कप ऑफ चीज़, काली मिर्च, लाल मिर्च का फ्लेक्स, दैट इज रेड चिली फ्लेक्स, पेपर ऑल्सो. आई एम ऑल्सो एडिंग सम टबास्को सॉस टू इट. और अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है थोड़ा और मिर्च का एलिमेंट डालने का, तो उसमें आप थोड़ा टबास्को सॉस डाल सकते हैं. मैंने ग्रीन टबास्को सॉस यूज़ किया है. आप चाहो तो आप रेड टबास्को सॉस या ग्रीन टबास्को सॉस यूज़ करिए. इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए और बिकॉज ऑफ द मैदा द मिल्क आपको अच्छा कंसिस्टेंसी, थिक कंसिस्टेंसी का सॉस मिल जाएगा, लाइक दिस. सी, है ना. अब इसको बिस्किट में लगाने के पहले बहुत ज़रूरी है कि एकदम अच्छी तरह से हम ठंडा करें. अगर गरम गरम हम Topwitch पे लगाएंगे तो द सॉगी बिस्किट आएगा, वी डू नॉट वॉन्ट दैट. तो इसको ठंडा करके हम आगे का प्रोसेस करेंगे. हमारा मिक्सचर रेडी है, ठंडा हो चुका है एंड नाउ द टाइम इज़ टू पुट इट ऑन द बिस्किट. सो हमारा ड्यूक्स का Top बिस्किट, आप एक चीज़ देखेंगे, बहुत थिन है और क्रिस्पी है. सो दिस इज़ द आइडियल क्रैकर टू यूज़ फॉर अ मिक्सचर लाइक दिस. सो थोड़ा सा हम मिक्सचर क्रैकर पे डालेंगे, थोड़ा सा टमेटो सॉस जस्ट फॉर गार्निश, चीज़,
एक दो पीस लगा दीजिए इस पे साइड में. अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है थोड़ा सा पार्सले लीफ की तो डालिए, नहीं तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं जस्ट फॉर द ग्रीन टच. सो वी हैव पुट आवर मिक्सचर ऑन द टॉपविच, वी हैव फिनिश्ड गार्निशिंग इट एंड नाउ इज द टाइम टू पुट इट ऑन अ वेरी प्रिटी प्लेट लाइक दिस. जस्ट अ स्मॉल ब्लैक बोर्ड वी हैव टेकन, पुट अ नैपकिन एंड अरेंज आवर टॉपविचेस ऑन इट. सो एज दे से यू ईट विथ योर आइज फर्स्ट. तो आप कुछ भी करो उसको डेकोरेट अच्छे से करोगे तो ऑब्वियसली देखते ही खाना बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील लाइक ईटिंग इट. सो मेक द फूड विच यू लव, यूज द ड्यूक्स बिस्किट रेंज वेरी वेल एंड डेकोरेट इट वेल सो दैट यू जस्ट फील लाइक डिवोरिंग इट. Thank you.